जी 15 नौकर बात तो भले हाँ नौकर मैं ठीक हूँ बताइए ना हमारे बातचीत ठीक है ठाक अब कहाँ बात है तो देवर बबूला अरे विजय भैया अंदर है अच्छा Thank you.
मैं सोचती हूँ आप मेरे साथ चलिए और मेरा मुझे घुमाना। इसका मतलब है महारानी कल उतार शहर में मेला बहुत भारी लगने वाला है। तुम्हारा मेला देखने का क्या है? महाराज इसलिए मैं आप पास आई हूँ ना। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है तुमको मेला देखा है। हाँ ठीक है महारानी। Thank you.
जैसे मुझे टाइम दे, ऐसा करो ये भाभी को लेकर जाओ, कल मेला दिखाओ, मेला दिखाने के बाद सूर्यास्त के पहले भाभी को लेकर महल में चले आना। ठीक है भैया, अगर आपका आज्ञा है तो कल मेला जो लगा है हम भाभी जी को साथ में मेला लेकर जाएंगे और सूर्य अस्त के पहले हम घर वापस चले आएंगे। ठीक है, हम चलेंगे, तैयार है। आइए भाभी जी चलते हैं, अगर आपका इच्छा है कल जो मेला लगा हुआ है घूमने चाहती है कि आपका छोटा देवर भी है आपको मेला दिखाने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेला देखे हम वो जमैया दे बाबू ना जाए थे। देखिए अगर सब परिवार सब लोग अगर मेला चली जाएंगे यहाँ का कारोबार कौन देखेगा। सही कहा था, यहाँ देखना जरूरी है। नहीं भी बिल्कुल भाई, यहाँ भी देखना जरूरी है। और हमें उसका ले आया, क्या चीज बोलूँ मैं, 1 किलो जलेबी ले आया मेला में से। ठीक है, तेरे लिए मैं 1 किलो जलेबी लेकर आया। 1 किलो गट्टा ले आया, गट्टा बड़का वाला। अच्छा अच्छा, क्या गट्टा? दो किस्म का होता है क्या? नहीं ठीक, लमका रेड़वा वाला होता है वो, एक ना कि गोलका गट्टा होता है। अच्छा अच्छा, गोला वाला। हाँ ठीक है, 1 किलो जलेबी गट्टा भी लाऊंगा। हाँ 1 किलो जलेबी। और हमें दूसरे टुकड़ा ले आया। क्या चीज? हमें दूसरे ना। हाँ बोलो। हमें दूसरे कंडोम ले आया। कंडोम क्या होता है? जब ठंडी का मूड हम लगा गया था। अगर बोलने की अकल नहीं है तो मत बोला कर। कहा थे नौका? कंटो बोला जाता है। कंटो कंटो तू जमा कंटो ले आया। ठीक है, मेला में जा रहा हूँ, तेरे लिए दो कंटो लाऊंगा, गट्टा लाऊंगा, चेलिया लाऊंगा। हाँ सही, ठीक है ना? ये कुल ले आया। ठीक है, आई भाई चलते हैं। ठीक है देवर जी, चलो चला जाए। हाँ